जिले के मोहाड़ी तहसील के तहसीलदार कारंडे इन्होंने गुप्त जानकारी के आधार पर रोहा गांव के घाट के पास अवैध रेती उत्खनन करने वाले जेसीबी और ट्रक पर कार्रवाई करने गए थे, जहां उन पर रेती माफियों द्वारा जेसीबी से जानलेवा हमला किया गया, जिससे अपने बचाव में उन्होंने अपने पास के लाइसेंस युक्त रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग की, जिससे रेती माफिया डर कर भाग गए। बाद में तहसीलदार ने पुलिस थाना मोहाड़ी में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है। बीसीएन न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरे।